चुनावी सीजन की बात ही निराली है। जितना सबको दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा छिपाया जाता है। सियासी गलियारों की ऐसी कानाफूसी जो हर गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहे तक रस ले लेकर जाती है। चुनावी दौर में ये होती है चुनावी गपशप, जो भले ही खबर का चौला ना ओढ़े पर होती एकदम खास है। लोनी से संवाददाता अकरम सैफी के साथ आइए आप और हम भी जनता के मूड में जान लेते हैं कि क्या है आज की चुनावी गपशप। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद के लोनी अशोक विहार कॉलोनी क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे जनता की राय। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सन 2019 में लोकसभा प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी के फेवर में क्या मोदी का जादू अभी बरकरार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नईम चौधरी है, मैं अशोकवासी लोनी निवासी हूँ। क्या मोदी की लहर जो थी वो अब भी बरकरार है? यहाँ मोदी की कोई लहर नहीं है, पहले ही छिक चुके हैं। 4-5 साल में मोदी के कार्य देख चुके हैं हम, ना कोई विकास है ना ही कुछ हो पा रहा है। पब्लिक जनता परेशान है, ऊपर से नीचे तक सब सरकार बीजेपी की है। नगर पालिका में बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, MP पहले बीजेपी के थे, उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेकिन देखो क्या हाल हो रहा है लोनी अशोक बिहार का। क्या लगता है आपको कि किस मुद्दे पे प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए पब्लिक के लिए? मेन मुद्दा यही है, पब्लिक को यही चाहिए, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गारी को ख़त्म करके रोज़गार जो नौकरियां हैं इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। मजदूर युवाओं का काम ठप हो चुका है, नोटबंदी से आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं आदमी, सब परेशान है। उसके बाद एकदम से GST ठोक दी है, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। हम जानेंगे और भी जो कॉलोनी निवासी यहाँ खड़े हैं कि क्या ये जो सन 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें क्या राय है, क्या लगता है आपको? क्या नाम आपका? नफीस। नफीस जी, क्या लगता है आपको कि प्रत्याशी किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए, चुनाव प्रत्याशी को क्या होना चाहिए? हमें ज़्यादा तो पता नहीं, पर जो है बीजेपी में कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस आनी चाहिए, उसमें जो है कारोबार भी है, सब चीज़ है। तो यहाँ देखने को मिला कि बीजेपी की लहर को बिल्कुल नकारा जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन के साथ अकरम सैफी, CNN News लोनी।